कैसे हैं आप सब? आज हम चल रहे हैं प्रभु जी का दर्शन करने, जो कि प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं गर्भगृह में। तो चलिए आज हम वीडियो यहाँ बनाते हैं। श्री राम जन्मभूमि पथ पे हैं अभी हम, जो कि यार भाई बहुत तेज महक रही है, अगरबत्ती लगी है मंगल दीप की, बहुत ज़्यादा महक रही है। तो आइए दिखाते हैं आपको नज़ारा कैसा है श्री राम पथ का। भाई लोग जन्मभूमि पथ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। बीच में एक लाइन डिवाइड की गई है, जो कि बीच में VIP लोगों के लिए बनाई गई थी। उससे पहले तो आप देख पा रहे हैं ये रास्ते जो है एकदम खाली हैं, जो कि TV में अगर आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पे तो बहुत भीड़ दिख रही होगी भाई। और इधर देखिए, साफ़ सफाई के लिए आपको बोतल यहाँ पे ला सकते हैं। और ये अगरबत्ती मंगलदीप की भाई बहुत तेज़ महक रही है, यहाँ पे हर जगह लगी हुई है, पूरे अयोध्या में आप देख पा रहे हैं। जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग की गई है वो आगे के साइड पर लगी है, आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर माई को एक लग चुका है। और ये जो हर चीज़ आप देख पा रहे हैं ये सजा दिया गया, दिवाली आप देख पा रहे हैं, पूरी फूल पत्तियों सजाई गई थी, जो कि अभी तो चली गई हैं, हटाई जा चुकी हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं, इधर सजाई गई हैं पूरी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है बहुत ही टाइट है, आप हर जगह चप्पे चप्पे पे देख पा रहे होंगे। सामने की साइड CRPF लगी हुई है। और इधर भी आप देख पा रहे होंगे, इधर लोगों की भीड़ आती हुई आ रही है, दर्शन करते हुए लोग इधर से आते चले आ रहे हैं। और हम भी लोग दर्शन करने के नज़ारे में चल रहे हैं। उम्मीद है कि फ़ोन जमा हो जाता है, क्या होता है अभी देखिए। और लाकर में हमारा दूसरा फ़ोन रखेंगे, क्योंकि हमने दो फ़ोन रखे हैं अपने पास, अगर चल पाएंगे तो ये फ़ोन ज़रूर चलेगा, आपको अंदर ले चल कर दिखाएंगे भाई लोग। निवेदन है कि वो अपना मोबाइल चार्जर बैग राम मंदिर जाने से पहले सामान की स्कैनिंग यहाँ पे होती है, बैगेज स्कैनिंग, जो कि आप सामने के साइड आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे स्कैनिंग हो रही है हर चीज़ की। तो यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं। देखिए हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, और देखिए यहाँ पे लगेज की स्कैनिंग होती है। और उस साइड से निकलते कहाँ हैं, शायद इसके बैक साइड पे हम लोग निकलते होंगे। ये देखिए सामने बीड़ी गुटखा सिगरेट हर चीज़ यहाँ पे रख दिया गया है, ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी। अरे हम अपनी बैग को पा गए हैं, और उस साइड से निकलते हुए इस साइड पे आ चुके हैं, जो कि आप इस साइड पे देख पा रहे हैं लोगों का कितना बड़ी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पे हमें लग रहा है लॉकर सुविधा दिए हैं, तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र, जो कि सामने की साइड आप देख पा रहे होंगे। ये हम सोच रहे थे क्या चीज़ बनाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि ये बन के तैयार हो चुका है, आप सामने की साइड देख पा रहे हैं। यहाँ पे यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र बनाया गया है, सामने की साइड आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। और यहाँ मंगलदीप की अगरबत्ती जो है उसका बहुत ही ज़्यादा बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट उसका किया गया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में हमारे। तो आइए चलते हैं, इस बैग को जमा करते हैं, क्योंकि बैग और मोबाइल जमा होने वाली है, तो इसको चलिए जमा कर लेते हैं, तब दर्शन करने चलते हैं। पा रहे हैं सूज रखने की व्यवस्था बनाई गई, जो कि सूज रख जा रहा है, और टोकन अपना प्राप्त कीजिए यहाँ से, जो कि देखिए किस नंबर पे आप रख रहे हैं, हर चीज़ों का नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो लोग आप देख पा रहे हैं सभी का यहाँ पे रखा गया, कैसे लटका गया, इतना तो शोरूम में भी नहीं सजा जाता जितना यहाँ पे रखा गया भाई लोग। और जस्ट इधर दिखाते हैं, इसके अंदर आ चुके हैं सुविधा केंद्र के, तो निकास एवं लाकर की सुविधा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा गया है, बट ये महिला काउंटर, मंदिर जाने का रास्ता, हर चीज़ भाई दिया गया है। निकलो निकलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और यहाँ सभी हम दर्शन करके आ चुके हैं भगवान श्री राम का, जो कि जन्मभूमि से हम लौट के आ चुके हैं, और प्रसाद भी पा चुके हैं। और मैं भी आप देख पा रहे हैं बैक साइड पे, अभी आप नज़ारा देख पा रहे हैं कि ये प्रतीक्षालय है, जो कि वेटिंग रूम बनाया गया है यहाँ का। और यहाँ से जस्ट हम निकलते हैं और चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, जो कि बीच में हमने आपको मंदिर का भी नज़ारा दिखा दिया छोटे से वीडियो में, क्योंकि मोबाइल का अंदर जाना अलाउ नहीं है। वैसे तो आपको हमने वीडियो में दिखा ही दिया है, तो आपको वीडियो में कैसा लगा है, तो आइए चलिए आपको हम दिखाते हैं बाहर का भी कुछ नज़ारा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हमने लॉकर रूम, जो कि यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो आपको लॉकर की सुविधा ढूंढनी आगे नहीं पड़ेगी, आप जस्ट राम मंदिर के पास आएंगे आपको खुद ऐसे प्रांगण में मिल जाएगा। ये लॉकर सुविधा आप देख पा रहे हैं, इधर से निकास है और इधर से लॉकर सुविधा आप देख पा रहे हैं ये सामने, जो कि एक नंबर दो नंबर काउंटर जो बना है यहाँ के लेडीज़ के लिए बना, और सब जेंट्स के लिए है 14 नंबर तक, आप लोग देख पा रहे हैं। तो आइए चलिए आपको आगे दिखाते हैं, जो कि वीडियो में अभी देखा था कि हम उस रास्ते से गए थे, और जस्ट अभी आप देख पा रहे हैं मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ। और ये सब आपने दिवाली देखी थी, जो कि PM मोदी जी के आने पे ये सब सजाई गई थी।
और अभी आप देख रहे हैं सब चीज़ें बदल चुकी हैं, और हमने आपको मंदिर का भी नज़ारा दिखाया जो कि बहुत ही बेहतरीन लगा। हमने दर्शन भी पा लिया, आप लोग भी दर्शन पा चुके हैं जो वीडियो हमने आपको मंदिर का दिखाया। और आप भी लोग आइए, दर्शन कीजिए बाबा बजरंगबली और श्री राम भगवान का, हनुमानगढ़ी भी आप लोग दर्शन कीजिए। ऑडियंस, आज के दिन हमने भगवान श्री राम का दर्शन पा लिया, और चाहत कई दिनों से थी बट आज हमने सफल दर्शन पा ही लिया, जो कि कोशिश थी कि पा जाएंगे कि नहीं पाएंगे, मन में संदेह था, बट दर्शन तो बहुत ही बढ़िया मिल चुका हम लोगों को। और अयोध्या का बस यही हम आज वीडियो कवर कर पाए हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना होने के कारण, क्योंकि आज मैं यहाँ पे लेट पहुँचा था और कवरिंग करने में मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं आपको मिलता हूँ एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ। बाय बाय ऑडियंस।